जय माता दी। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नवरत्न सिटियान पाउडर से आजकल किसी मजबूरी की वजह से मैं जम्मू में हूँ। तो यहाँ पर मैं जब भी आप इस हरियाली में सरसों के खेत में आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ हमारा डेरा है, जहाँ हम क्वार्टर में रहते हैं, तो उनके खेत में इस कदर सरसों है, मुझे कितना अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद जमींदार हूँ। और हमारे पाउडर में अगर सभी लोग ऐसी जमींदारी करते थे तो तेल कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। देखो कितना बड़ा मोटे मोटे ये फलियां हैं सरसों की, मैं हैरान हूँ कि देखो जी क्या है। तो मैं अपने पाउडर वासियों से इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जमीनों को खाली ना रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये हमारे मालिक मकान जो हैं उनका खेत है, तो मैं उनसे आप मिलाऊंगा आपको। चलो इनका थोड़ा सा कमरा दिखा दूं, मैं आपको मकान दिखा दूं। हाँ तो धन्यवाद। ये है हमारा डेरा यहाँ पर है। मैं प्रभा जी के साथ यहाँ जम्मू में पिछले 15 रोज से बैठा हूँ, क्योंकि कुछ अपनी सेहत खराब हो गई थी, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं जम्मू में रहा। तो अब काम करना छोड़ना नहीं है, अगर सेहत जैसी भी फुर्सत देती है तो काम पाउडर के लिए करना ही करना है। तो देखो बहुत ही अच्छा है, कितनी मेहनत की है इन लोगों ने और अपना घर बनाया है। पहले तो यहाँ पर अभिनय स्टियान जो था वो उनका डेरा हुआ कर था, मानो कि उनका एक चौकीदार का काम कर रहा था यहाँ पर। तब इन्होंने मकान नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान यहाँ पर बैठ के बहुत सारा टाइम पास किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हरियाली है, यहाँ ये थूम प्याज जो है इसकी खेती लगे। अब एक बात से मैं हैरान हूँ कि इन्होंने सब्जी भी लगाई है और ये मुर्गे भी पाल रहे हैं। तो देखो कितना, मतलब सब्जी और मुर्गों का कोई भी मेल नहीं होता है, वो जितनी सब्जी होगी उतना वो सारा ये चूजे जो है ना ये मुर्गियां जो है वो खा लेती हैं। खैर चलो कोई बात नहीं है, चलो मैं आपको यहाँ से सराउंड दिखा लूंगा कि जम्मू थोड़ा सा हम इस पौड़ी से चढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आपको थोड़ा सा सराउंडिंग दिखा दूं कि जम्मू में जब जहां हम पिछले 8-10 सालों से रह रहे हैं, इतना ये सराउंड है, कितना अच्छा है। वाह वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। ये पुरखू का एरिया है, इसको पुरखू ही कहते हैं ना। यहाँ पर सामने अगर हमें देखे तो हमें पीर पंचाल की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, और त्रिकुटा की जहाँ पर माँ वैष्णो देवी निवास करती हैं, जो जहाँ पवित्र गुफा है, तो वो भी यहाँ से दिखाई देता है। और उस साइड पीर पंचाल की जो पहाड़ियाँ हैं, बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, अभी थोड़े से बादलों और की वजह से ये ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से। तो मन करता है कि यहाँ अपने लिए भी एक छोटी सी झोंपड़ी बना लें, ताकि बुढ़ापा जो है वो आराम से यहाँ पर पास हो जाए। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो एक छोटा सा कलाकार पाउडर का, जिसका उतनी रेंज नहीं है, आपकी कृपा से, आपकी मेहरबानी से, आपके पसंद करने से मेरा भी थोड़ा सा प्रोग्राम जो है बूस्ट होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। अपने दोस्त नवरत्न को इजाज़त दीजिए, कल मैं किसी और विषय पर आपके साथ फिर मिलूंगा।